हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आज आप लोगों के साथ ये मेकअप लुक शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल सा लुक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कोई भी छोटे मोटे फंक्शन में आप इस तरह की लुक क्रिएट कर सकते हैं एंड मैं रक्षाबंधन में ये लुक क्रिएट करने वाली हूँ। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को प्लीज पूरा देखना एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र एंड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेकअप के पहले मॉइस्चराइज़र यूज़ करने से मेकअप फ्लॉलेस लगते हैं एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। मेकअप करने से पहले प्राइमर लगाना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गाइस, क्योंकि प्राइमर हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स की बीबी क्रीम। आज कोई भी फाउंडेशन मैं अप्लाई नहीं करूँगी। बीबी क्रीम को मैं डॉट डॉट करके फेस एंड नेक पे अप्लाई कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं फिंगर की हेल्प से ही इसे ब्लेंड करूँगी। ये बहुत ही लाइट वेट क्रीम है एंड बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हो जाते हैं। उसके बाद मैं आई एरिया पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। मैं मेबलिन फिट मी की कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एंड मेरा शेड है 25 मीडियम एंड फेस में जहाँ जहाँ पे पिगमेंटेशन है वहाँ पे भी मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से कंसीलर को मैं ब्लेंड करूँगी। नेक्स्ट आई एम यूजिंग लैक्मी एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस कॉम्पैक्ट पाउडर, उसकी मदद से मैं फेस को सेट कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा एक कॉम्पैक्ट पाउडर है। आप इसकी जगह पे आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर लूज पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, इससे आपकी मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगी। उसके बाद मैं आईब्रोज़ को फिल करूँगी यूजिंग मेबलिन आईब्रो पेंसिल एंड इसका शेड है ब्राउन। आईब्रोज़ को मैं बिल्कुल भी ओवर ड्रॉ नहीं करूँगी, थोड़ा सा शेप दे रही हूँ। उसके बाद करूँगी आई मेकअप एंड इसलिए मैं ये रेडिश ब्राउन शेड को लेकर मैं क्रीज लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ एंड सर्कुलर मोशन पे इसे मैं ब्लेंड करूँगी। एंड उसके बाद मैं एक न्यूट कलर शेड को लेकर मैं क्रीज लाइन के ऊपर अप्लाई करूँगी ताकि ये रेडिश ब्राउन कलर डिफ्यूज़ हो सके। उसके बाद ये वाइट शिमरी शेड को एक फ्लैट शेडर ब्रश की मदद से मैं आई लिड पर अप्लाई करूँगी एंड ब्राउन आई शेडो के साथ ब्लेंड करूँगी। उसके बाद अप्लाई कर रही हूँ आईलाइनर एंड मैं एक विंग लाइनर ड्रॉ करने वाली हूँ। विंग लाइनर मुझे बहुत ही अच्छा लगते हैं, आप चाहो तो थिक लाइनर भी ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद मैं सेम रेडिश ब्राउन शेड को लेकर मैं लोअर लैश लाइन पे इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ। सिर्फ मैं अपर वाटर लाइन पर ही काजल अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा। मैं मेबलिन की मस्कारा यूज़ कर रही हूँ एंड मस्कारा को मैं अपर एंड लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ एंड उसके बाद पूरी ये बेस मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मैं मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर। मेरी फेस का जो हाइस्ट पॉइंट्स है ना वहाँ पर मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ फिंगर की मदद से। तो ये है मेरी फाइनल लुक। आई थिंक ये लुक आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सी यू सून गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन बाय।